मैं हूं आदित्य चक्रवर्ती और आज से हम दोनों बहनें स्टार्ट करने वाले हैं एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भूतली बहनों। और इस चैनल में आप लोगों को देखने मिलेगा डेली व्लॉग्स हम दोनों मिडिल क्लास बंगाली सिस्टर्स का। या तो इस दौरान हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे एक मिडिल क्लास परिवार में दो बहनें आपस में रहती हैं, क्या क्या करती हैं और क्या क्या नॉर्मल दो लड़की के जीवन में क्या क्या होता है। बेसिकली हम दोनों बंगाली हैं तो हमारा हिंदी बहुत ही वीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि बेहतर हिंदी आपके साथ हिंदी में बात कर पाए, बेहतर हिंदी बोल पाए। तो अगर कुछ गलत हो जाए तो गलती हो जाए हमसे तो हम दोनों को प्लीज माफ कर दीजिएगा क्योंकि हम हिंदी में बात बिल्कुल भी नहीं करते। तो जो भी कुछ सीखा है तो वीडियोस देख कर सीखा है, तो प्लीज हम दोनों को इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। तुम भी कुछ बोलोगी या फिर मैं ही बकबक करती जाऊँ? क्या बोलूँ। ओह बाय द वे आप लोगों के लिए एक छोटा सा गेस है कि हम दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, अब बोलिएगा, जरूर कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है ना? हाँ। ये हम नहीं बताएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल भूतली आदि। तो भूतली अभी तक सो रही है, मैं आदि हूँ। कि ये हमारा नया ब्लॉगिंग चैनल है मेरा और मेरे बहन का, उसका नाम है अनन्या, मेरा नाम है आदित्य। तो वो अभी तक सो रही है, 10 बज गए फिर भी वो सो रही है। मैं तो यहाँ टेरेस पे आई हूँ थोड़ी मैंने जो प्लांट्स है उसके साथ समय बिताने के लिए, और जूस लेकर आई हूँ बेल का। हमारे घर में ही बेल का जो ट्री है उसका जूस देखिए, तो हम ये रोज सुबह तक पीते हैं। और अभी मौसम थोड़ा क्या क्लाउडी हो रखा है क्योंकि हमारे यहाँ बंगाल में एक तूफान आने वाली है, उसका नाम है यश। तो उसके लिए थोड़ा वेदर इतना खराब हो रहा है। सुबह तक बहुत ही ज्यादा धूप थी लेकिन अब 10:30 बज गए हैं और पूरा जो मौसम है वो क्लाउडी हो रखा है। अब नहीं पता यहाँ पर कितना तेज तूफान आएगा लेकिन जो कोस्टल एरिया है वहाँ तो बहुत ही तेज होगा। मैं तो मेरी प्लांट्स की चिंता कर रही हूँ कि इन लोगों को कैसे संभालूं। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मेरी बगीचे में क्या क्या फूल खिले हैं। तो एक टाइप का बोगनविला है उधर और एक है येलो वाला, लेकिन यहाँ पे एक पिंक है वो अभी तक नहीं आया है, तो इसका छोटा छोटा फ्लावर आया है अभी। ये एक जैस्मिन का छोटा सा प्लांट है, इसको मैंने हमारा जो नीचे वाला गार्डन है वहाँ से लाई थी, इसकी एक छोटा सा स्टेम लगाई थी पिछले साल, तो अभी ये बड़ी हो चुकी है और बहुत सारे फूल देने लगी है। ये एक टाइप का हिबिस्कस है और यहाँ पे बहुत सारे हिबिस्कस का टाइप है, करीबन 6 टाइप्स का। अभी नीचे चलती हूँ, जाके मेरी बहन को उठाती हूँ नींद से और ब्रेकफास्ट करके उसके साथ वापस आती हूँ। बोनी, गुड मॉर्निंग बोनी। तो आज हमारी बंगाली घर में बनी है दाल चावल, एक ये है आलू भाजा जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम लेकिन बंगाली में हम लोग इसको आलू भाजा कहते हैं। और ये है एक नींबू, लेकिन इसका टाइप थोड़ा अलग है, ये गोंधराज टाइप का नींबू है, तो गोंधराज को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम लेकिन इसका पेड़ है हमारे घर में, बहुत ही सुगंध है इसमें, बहुत ही सुगंध है और रस जो है बहुत अच्छा है, उसको दाल के साथ खाने में बड़ा ही मजा आता है। तो मैं इंजॉय करती हूँ मेरा ब्रेकफास्ट। तो मैं जिस ट्री की बात कर रही थी वो ये है, मेरे नीचे वाले घर के पास ही है, जो रूम है उसके बगल में। तो देखिए यहाँ पर एक है, फिर वहाँ पे एक है, तो बहुत सारे हुए हैं। ये हम लोगों का फेवरेट ट्री है वो, ये देखो कितना बड़ा है,
और भी ज्यादा बड़ा होता है। तो मेरी बहन आ चुकी है, तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, मेरी मतलब कि हमारी मम्मी का बर्थडे है। तो ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लॉकडाउन है और कोविड सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है ना। तुम कुछ बोलो, क्या बोलो। तो फिर सोचा है कि घर पर ही कुछ बनाए और मम्मी को खिलाए। कल रात को बोनी ने पैनकेक बनाया था, तो आज देखते क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी प्लान है कि पुलाव बनाएंगे और एक करी बनाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ ज्यादा इंतजाम नहीं कर सकते। मैं एक करी का मसाला बना रही हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट अ गुड कुक, पर फिर भी चलो ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पे एक सौ आलू फ्राई करके रखे हैं। तो एक करी बन रही है और यहाँ काजू को क्रंच किया जाए। तो फिर एक करी के बाद यहाँ पे पुलाव हो रहा है, बासंती पुलाव। और यहाँ पे खीर हो रही है, चावल का खीर बनाएंगे, उसको हम बंगाली में पायस कहते हैं। तो फिर इस मिल्क को उबाल रहे हैं। अभी दीदी डांस वीडियो करेगी, मतलब यूट्यूब पे चैनल है उस पर डांस वीडियो डालेगी, तो उसके लिए रेडी हो रही है। लेकिन बाहर बारिश का मौसम हो रहा है और दीदी रेडी हो रही है, पता नहीं क्या होगा। ओके, बाय बाय। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौसम में थोड़ा सा डांस किया जाए। मेरा एक डांस का चैनल भी है, तो उसके लिए एक छोटी सी वीडियो कर लेती हूँ। मेरी जो बहन है वो कैमरा करेगी। आप सब लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। चल हट। तो हम लोगों का डांस वीडियो शूट खत्म हो चुका है, बोनी ने वीडियो किया और ये है हम दोनों। बोनी तुम कुछ कहना चाहोगी? नहीं, कुछ नहीं कहना मुझे। इस बारिश के मौसम में वीडियो करके तुम्हें कैसा लगा? वीडियो करके गर्मी लग गई। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इतना सुंदर मौसम है ना, मतलब क्या बताओ तुम्हें, आप लोगों को क्या बताओ। वीडियो दिखाते हैं। ये मौसम बहुत ही खराब हो रखा है, पता नहीं दो तीन दिनों में क्या होगा। लेट्स होप कि कोई बुरा ना हो। मुझे डर लग रहा है कि मेरा जो सब प्लांट्स है उसका कुछ ना बिगड़े, तो मैं ट्राई करूंगी सब कुछ एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो फिर वो करिए। फिलहाल तो मैंने इन लोगों को यहाँ पे सेट कर दिया है, पर इन्हें यहाँ पे ही छोड़ दूंगी, कुछ नहीं होगा क्योंकि ये साइड है साउथ का, तो साउथ से विंड आएगा तो यहाँ पे बैरिकेड तो है ही। गेस कर लेती हूँ कि कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे इन लोगों को भी मैंने एक साथ कर दिया है, लेकिन मुझे चिंता है इन लोगों को लेकर कि ये तो ऐसे हैं, कुछ ना हो जाए होप करते हैं। इन्हें भी यहाँ पर छोड़ दूंगी। सो बहुत थक चुकी हूँ, इतने सारे पौधों के जो गमले हैं उनको एडजस्ट करते करते मेरा तो कमर ही दुख गया। लेकिन फिर भी अगर कुछ ना हो वो तूफान आने से, तो फिर ये मेरा जो काम है वो सार्थक होगा। और मम्मी का बर्थडे अच्छा ही गया, मम्मी को परोस के दिया, उनको पसंद आया। तो वो थोड़ी कैमरा शाई है, तो आने से वो थोड़ा क्या घबराती है क्या होता है मुझे नहीं मालूम, इसलिए वो नहीं आई। वो दोनों पक्षी कितने खुश हैं, पर वो अकेली बैठी है, वो शायद छोटी बच्ची है। मैं यहाँ पे बैठ के सारे दिन पक्षियों को देखती रहती हूँ, इतनी हरियाली है और इतने ज्यादा पंछी आते हैं। वहाँ पे कितने सारे,
कुछ पौधों को मैंने यहाँ पे भी रख दिया जिनको ज्यादा नुकसान हो सकता है, उनके रूट्स थोड़े नाजुक हैं इसलिए। Much later. तो आज से हमारा यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट हो रहा है, तुम कुछ कहना चाहोगी? नहीं, एक मैंने देखी मुझे तो बड़ा छोटू पा। तो हम क्या है, बिगनर्स है तो हम ज्यादा कुछ तो नहीं जानते, मगर थोड़ा थोड़ा आज ट्राई किया वीडियो करने का। तो आज हमारे मॉम का तो आज हम दोनों के मम्मी का 50वीं सालगिरह है, तो उनका जीवन के लिए, उनके बर्थडे के लिए, उनके बर्थडे के दिन ही हम ये वीडियो पोस्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये दिन, हाँ आज ही ना, तो ये दिन हमारे लिए स्पेशल है। और कल और से ब्लॉग आएगी, है कल से डेली ब्लॉग आएगी। और मेरी मम्मी थोड़ी सी शाही है, इसलिए वीडियो उनकी नहीं डाल पा रही हूँ बर्थडे सेलिब्रेशन की। और फिर भी लॉकडाउन है, कोरोना का सीजन है, तो आसपास सब कुछ बंद है, ज्यादा कुछ हम लोग नहीं कर पाए, बस यही है। और यही दिखाना चाहते हैं आप लोगों को, आप लोगों के साथ हमारा जो खुशी है, जो गम है, वो बांटेंगे। हाँ, और लॉकडाउन में कैसे बिता रहे हैं वो भी। हाँ, ये थोड़ी लाजुक है। तो फिर चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से कल से रोज मुलाकात होगी, हम कोशिश करेंगे रोज आने के लिए, क्योंकि हम डालने के लिए आने के लिए वीडियो डालने के लिए। तो हमारे साथ बनिए रहिएगा, और अगर हम लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना प्लीज प्लीज प्लीज, और कमेंट करके बताना। सॉरी सॉरी, तुमको अच्छा लगा कि बुरा? बोलो बंगाली घोर भी, तभी बंगाली। तो फिर टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।